हल्का बर्गर से पेट भर गया है वरना हल्की ये पिज्जा खा जाता। तो गाइस आज एक बहुत ही अजीब सा हम सभी को हमारे भाई पिज्जा मैन ने एक चैलेंज दिया है। मैं तो लिटरली मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा पिज्जा कौन खाएगा। अरे मैं अपने जादू से खा जाता है लेकिन ये पिज्जा मैन मेरी चोरी पकड़ लेगा। उड़ी कसम हम होते तो कब का खा लेते लेकिन हम तो है ही नहीं यहाँ पर। गाइस ये देखिए अपना पिज्जा मैन। अरे दोस्तों आओ आओ आज तुम्हारे पास एक स्पेशल ऑफर है, जाओ और जल्दी से मेरा ये बड़ा वाला पिज्जा खाओ। जो भी इसको खा पाएगा वही दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा मैन बन जाएगा। बाकी छोटा पिज्जा खाओगे तो छोटे से पिज्जा मैन बन जाओगे। नहीं यार मेरे को छोटा सा पिज्जा मैन नहीं बनना, मुझे तो बड़ा बनना है। बट भाई इतना बड़ा पिज्जा खाएगा कौन और कैसे खाएगा? अरे हल्क खाएगा, बस हल्क का इंतजार करो कल तक। नहीं भाई मुझे कोई स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी इस पिज्जे को खाने के लिए। अरे उसके बड़े अरे तुम लोग नहीं खा पा रहे हो तो मुझे खाने दो उस टेस्टी पिज्जा को। कब से भूखा हूँ मैं उसके बड़े उसके बड़े। गाइस ये आइस इसके बड़े इधर क्या कर रहा है भाई? तेरा बस चले तो तू तो पूरी दुनिया को खा जाए, तेरा पेट भी ना भरे। बिल्कुल सही कहा। ओ भाई निकल यहाँ से, हम सब मिल बांट के पिज्जा खा लेंगे बट तुझे नहीं खाने देंगे। इसके बड़े इसके बड़े मेरा अपमान करते हो। अपमान? रुक अभी तेरे को बताते हैं असली अपमान क्या होता है। तूने ना जाने कितने मासूमों की जाने लिए, कितनों को यहाँ पर खाया है, कितनों को तड़पाया है, उसके लिए ये सब मार पिटाई अपमान कुछ भी नहीं है समझा। अरे उसके बड़े बदला लूंगा तुम लोगों से, बर्बाद कर दूंगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन मेरी दुकान के सामने मार पिटाई मत करो प्लीज। अच्छा चल ठीक है भाई, पिज्जा मैन तू बोल रहा है तो छोड़ रहा हूँ इसको, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा उसके बड़े, याद रखा मेरी बात। अरे निकल यहाँ से, मेरे साथ सही नहीं। गाइस वो इसके बड़ी ने और दिमाग खराब कर दिया। तो हम कहां पर थे? गाइस मैं तो चाहता हूं भाई मैं इस पिज्जा को खाऊं। आप लोग एक काम करो दोस्तों, जल्दी से प्लीज मेरे लिए वीडियो लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद इस पिज्जा को मैं खाऊंगा। अबे चल भाई फ्रैंकलिन तेरे बस की नहीं है, अबे तू इसका एक पीस नहीं खा पाएगा। टोटल इसमें 1 2 3 4 पीस है भाई। इसके बड़े अरे ये तो हैमर मैन है इसके बड़े इसके बड़े। मैं काम करता हूं इस हैमर मैन को पहन लेता हूं इसके बड़े। ए हैमर मैन क्या है, मैं तुझे यहां पर कंट्रोल करने जा रहा हूं इसके बड़े इसके बड़े। अबे ओए बकवास, ये क्या हो गया मुझे इसके बड़े? अब तेरी बॉडी का कंट्रोल मेरे पास है इसके बड़े। नहीं तू ऐसा क्या करने चाह रहा है जो इसने तूने मेरी बॉडी को ले ली? रुक बताता हूँ इसके बड़े। अरे एवेंजर्स मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्या हो गया भाई, सब तो ठीक लग रहा है हमें। हाँ क्या हो गया? अरे मेरी बॉडी के अंदर आइस टॉयलेट इसके बड़ी मॉन्स्टर घुस गया है। व्हाट? लेकिन एक मिनट वो ऐसा क्यों करेगा? बताता हूँ इसके बड़े, ये निकाला मैंने यहाँ पर अपना वेपन और तुम सबकी बैंड बजाता हूँ उसके बड़े। नहीं 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 जावेस मेरा आयरन मैन का जल्दी मुझे सूट मार दिया। गाइस यार मेरी तो हालत खराब कर दी इसने भाई, क्यों मार रहा है हैमर मैन? अरे मैं नहीं मार रहा हूँ एवेंजर्स, ये इसके बड़े के बच्चे ने कंट्रोल करा हुआ है। अरे नहीं मेरी दुकान मेरा पिज्जा। उसके बड़े इसके बड़े, तुम लोगों ने मुझे पिज्जा खाने से रोका, अब मैं पूरी दुनिया खा जाऊंगा उसके बड़े। ये लो और उसके लिए मुझे टाइटन इसके बड़े आइस गॉड बनना पड़ेगा। हल्क हल्क कल खाएगा पिज्जा, फिर कल जायंट हल्क पिज्जा मैन बनके तेरी बैंड बजाएगा। मैं तुझे भी खा जाऊंगा इसके बड़े, यहाँ पर कोई भी मेरी टक्कर में नहीं आ पाएगा इसके बड़े। नहीं दोस्तों प्लीज मेरी दुकान को बचाओ, अगर इसने पिज्जा खा लिया तो ये टाइटन आइस इसके बड़ी बन जाएगा। भाई तो गड़बड़ हो जाएगी फ्रैंकलिन, कुछ कर। मैं क्या करूं, मेरी हड्डी पसली एक हो गई है भाई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वाह उसके बड़े नम 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 इसका बड़े नम नम। ओ भाई साहब ये खाने की आवाज कहां से आ रही है? ओ भाई साहब इसने पिज्जा खा लिया और ये तो टाइटन आइज इसके बड़े टॉयलेट गॉड बन गया। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। हल्का पिज्जा हल्क को रोना रहा है। अरे भाई हल्क चुप कर, फिलहाल ये सोचो कि यहाँ से भागना कैसे है। फिलहाल हम तो भाग जाएंगे फ्रैंकलिन, पर शहर के मासूम लोग पर बच्चों का क्या, वो कैसे भागेंगे? कोई नहीं भाग रहा उसके बड़े। नहीं हल्क को मारा। ओ भाई साहब ये तो सुपर इसके बड़ी मिसाइल फेंक रहा है हमारे ऊपर, सुपर रेड लेजर मिसाइल इसके बड़े। अरे बाप रे गाइस मुझे कुछ करना पड़ेगा गाइस आज इसके बड़े टॉयलेट कॉट का। एक मिनट अवेंजर्स, नहीं मुझे लगा मैं बच गया तो तुम भी सर्वाइव कर जाओगे। प्लीज गाइस मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम लोगों के बिना क्या करूंगा। अरे टोनी फ्रैंकलिन हमारी हालत उठने जैसी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल फ्रैंकलिन तू जा जा के दुनिया बचा। मैं कैसे दुनिया बचाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए आइस इसके बड़े कॉट प्लीज मेरे दोस्तों की मदद कर। एक मिनट ये इतना बड़ा पिज्जा कहां से आया? फ्रैंकलिन ये मैं हूं, जल्दी मेरे ऊपर आ। हैं पिज्जा मैन क्या है तू है? हाँ जल्दी आ। ये हो गया, तूने ऊपर आने बोला था भाई, मेरे को ऊपर से उठा के फेंक दिया। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे यहाँ से भागना पड़ा और तुझे भी अपने साथ लाना पड़ा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तेरा पिज्जा खा के वो इसके बड़ी पिज्जा मैन क्यों नहीं बना? वो आइस टॉयलेट के बड़ी इसके बड़ी कैसे बन गया? वो मुझे भी नहीं पता लेकिन मुझे लगा और वही हुआ। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, मैं तुझे यहाँ पर एक छोटा पिज्जा खिलाने जा रहा हूँ। बट क्यों मैं यहाँ पर तुझे पिज्जा मैन बनाने जा रहा हूँ? मेरे पास अब एक छोटे पिज्जे के अलावा कुछ नहीं बचा।
बचा है। अब तुझे यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े पिज्जों को ढूंढना होगा और उनको खाना होगा, जिससे कि तू जल्दी यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन पिज्जा मैन बन जाए। एक मिनट, पर मैं पिज्जा मैन बन के क्या कर लूंगा? मैं लोगों की भूख मिटा सकता हूँ, बट इसके बड़ी को नहीं हरा सकता। तू हरा सकता है मेरे भाई, तेरे पास सुपर रेड चिली लेजर भी है, तेरे पास सुपर टोमेटो लेजर भी है। क्या ये सब भी होता है क्या? बिल्कुल, तेरे पास सुपर नाइफ अटैक भी है। सुपर नाइफ अटैक? ओ शायद ये उस चाकू की बात कर रहा है जिसका इस्तेमाल करके हम पिज्जा पिज्जा काटते हैं। बहुत खतरनाक न्यूज है। इसके बड़ी टॉयलेट गॉड ने यहाँ पर फ्रैंकलिन को अपना मेन दुश्मन बना रखा है, इसलिए आज वो उसके घर पे एयर स्ट्राइक नहीं सीधी हैमर वाली स्ट्राइक करने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन हैमर उसके घर पे गिरेगा और उसके घर को तबाह कर देगा। ओ नो, घर पे तो भाई सिंचन पिंचन चॉप को मैं लॉक करके आया था। ओ भाई सब सिंचन पिंचन चॉप है, घर का तारा तो यार टूटा पड़ा है, डोर भी खुला पड़ा है। व्हाट, तुम इधर क्या? फेकी भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये फ्रैंकलिन भैया थोड़ी है, ये तो कोई पिज्जा है। टेस्टी साहब भाई जुबान में पानी आ गया, बस का पिज्जा खाओ। अरे यार मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, पिंचन से ही गया। मेरी बात सुनो, घर पे एक बहुत बड़ा टाइटन हैमर आने वाला है और घर को भाई पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, हमें यहाँ से भागना होगा। ए तो पिज्जा मैन हमारा उल्लू मत बना और चुपचाप पिज्जा बना के खिला। ए हे, मुझे तो लगता है ये पिज्जा मैन ही है, चाहे पिज्जा दे हमको। अब मैं सिंचन में सही बोल रहा हूँ? गाइस कमेंट में जल्दी यस लिखिए, ये सिंचन का बच्चा मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है, ऊपर से मेरे को पीट और रहा है वो भी बुरी तरह से। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे गाइस न्यूज सच थी या झूठ मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तक तो घर पे कोई हमला नहीं हुआ और दोस्तों यहाँ पर कोई परेशानी भी नहीं हुई। देखिए एकदम आसमान, नो 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 नो, ये तो थोड़ा है भाई, कितना बड़ा है, सच में टाइटन हैमर है। वाह भाई वाह, कलवा सही कह रहा था, वहां मरेंगे। अरे नहीं कोई बचाओ, ये हैमर में। ओ भाई साहब मेरे घर पे क्या खतरनाक ब्लास्ट कर दिया इस हैमर के बच्चे ने। अच्छी बात तो ये है मेरे घर पर अभी ज्यादा कुछ टूट फूट नहीं है, मैं अभी भी सिंचन पिंचन चौप को बचा सकता हूँ। सिंचन पिंचन चौप अरे वहां से निकलो, वाह भाई कलवे हम तो मरेंगे, वो अब नहीं छोड़ेगा ये। ओ नो 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 नो, क्या करूँ। वैसे मैं पिज्जा मैन हूँ, आइडिया, मैं यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक इमेजिनरी पिज्जा वहां पर स्पॉन कर देता हूँ, जिससे कि हैमर उस पिज्जे पे आके रुक जाए। मैं ये तो कर ही सकता हूँ, लेट्स गो। मैंने कुछ टाइम के लिए अपने एक इमेजिनरी एक वर्चुअल पिज्जे से इतने बड़े हैमर को रोक रखा है, बट मेरा पिज्जा कभी भी टूट सकता है भाई, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, क्या करूँ। गाइस एक बार करते हैं, जल्दी जाते हैं और सिंचन पिंचन चौक को घर से बाहर निकालते हैं, उसके बाद मेरा घर डिस्ट्रॉय हो भी जाएगा। एक मिनट, ये क्या? ओ भाई साहब आ रहा है उसके बड़े, इसके बड़े कितना टेस्टी पिज्जा है। मैं काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इन इसके बड़ीज को क्यों ना अपने पिज्जा स्लाइस अटैक से इनकी बैंड बजा दूँ। पिज्जा स्लाइस का मतलब वही होता है जब हम पिज्जे को कट करते हैं भाई, बट मुझे नहीं पता ये पिज्जा स्लाइस मोड है कहाँ पर, मतलब किस तरह से इसको एक्टिवेट करते हैं। एक बटन है उसको ट्राई करता हूँ, ये दबाया बटन। ओ भाई साहब क्या खतरनाक ब्लेड्स निकल गए मेरे हाथ और पिज्जे में से। सच में ये पिज्जा स्लाइस मोड तो सबको आज स्लाइस 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 करने वाला है। ये लो आराज की बड़ी, अजी क्या हो रहा है? आराम भैया इसकी बड़ी, ये पिज्जा मैन तो हमको मार रहा है। फाइनली गाइस मैं सच में एक सुपर पिज्जा मैन जैसा बन गया। गाइस एक काम करते हैं, बड़े वाले पिज्जा को अपने हेड पे लगाते हैं और क्या पता हम यहाँ पर अरे भैया पिज्जा बहुत बड़ा है, खाने में बड़ी देर लग रही है, बट हम जल्दी इसको अपने जादू के वजह से खा जाएंगे। फाइनली मैं यहाँ पर एक जायंट फायर पिज्जा मैन बन गया। मतलब गाइस मेरे पास एक नई टेक्निक आई है, उसको कहते हैं सुपर रेड चिली लेजर अटैक। और अभी मेरे पास एक और मोड है जो अनलॉक नहीं हुआ है, उसको कहते हैं सुपर पिज्जा बर्न मोड अटैक। हां गाइस उसका इस्तेमाल से हम आसपास की चीजों को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, भाई मजा ही आ जाएगा। फिलहाल तो गाइस वो जो हैमर था मैंने उसको भगा दिया। ये तो फायर पिज्जा है ही, हमको फायर वाला पिज्जा चाहिए। अरे यार मुझे खाने के पीछे ही पड़े हो तुम लोग, मजाक कर रहे थे फ्रैंकी भैया हम तो। वाह भाई कलवे, वाह तू धन्य हो, वाह तूने हमें बचा लिया भाई। वो सब तो ठीक है, बट मुझे यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा ढूंढना था, उधर जा रहा हूँ। शायद तो हमारे स्कूल जाइए, वहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा है फूड का, वहाँ पर आपको दुनिया का बड़ा वाला पिज्जा मिल जाएगा। गाइस सिंचन ने बता, ओ भाई साहब सच में यार मेरे पिज्जे से कहीं ज्यादा बड़ा पिज्जा है। और इसके बड़े इस पिज्जा मैन ने ही हमारे आदमियों को मारा है और हमारे हैमर को डिस्ट्रॉय किया है। मुझे तो लगता है इसके बड़े फ्रैंकलिन है। ओ नो यार, इसके बड़े के बच्चे यहाँ पर मासूम स्कूल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिए। अरे हमें बचा लो, अल्लाह बता लो हमको मार देंगे। अभी बताता हूँ मैं, अभी गाइस देखिए मैं सुपर बर्न मोड ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, सुपर पिज्जा स्पेशल बर्न मोड। ओ भाई साहब चला दिया, ओहो क्या खतरनाक बर्न मोड है। और उसके बड़े हालत खराब कर दे, इसके बड़े इसकी बड़ी। ओ भाई साहब अभी तो मेरे पास एक
अल्ट्रा बंड मोड भी है, वो पता नहीं कैसे किया जाता है, बट जब मैं टाइटन पिज्जा इसमें बन जाऊंगा फिर उसके बाद हम उसको ट्राई करेंगे। फिलहाल इस वाले पिज्जा को अला अंकल जी, अला आपका छोकलिया, आपने हमारी मदद कर दी, थैंक यू सो मच अंकल जी। गाइस अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं असल में स्कूल इस बड़े से पिज्जा को लेने आया था, मैं जानता हूँ आपका फूड का कॉम्पिटिशन हो रहा है। अरे कोई नहीं अंकल जी, ले जाओ ले जाओ। अरे हाँ ले जाओ, इस पिज्जे को ले जाओ, हम दूसरा पिज्जा बना लेंगे। लेट्स गो गाइस, अब देखते हैं ये वाला पिज्जा मेरे साइज को कितने ज्यादा बुरा बढ़ाता है और मेरे को अल्ट्रा बन मोड वाला अटैक देगा या फिर नहीं, वो भी हम देखेंगे। गाइस यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में और मैं दुनिया का सबसे बड़ा आज ओके 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 भाई साहब, एक साथ से बड़ा हो गया कि मुझे खुद पता नहीं चला। गाइस चलिए अब जल्दी चलते हैं और अवेंजर्स को जाके बचाते हैं। भाई साहब एक मिनट, मेरे पास पिज्जा बूस्टर मोड भी है, मतलब मैं उड़ भी सकता हूँ। वैसे भी मैं टोटली नहीं उड़ पा रहा हूँ बट फिर भी जितना बेस्ट है। गाइस हम फाइनली अवेंजर्स के पास आ चुके हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ओ नो, इसके बड़े कैसा लग रहा है जमकर, हल्का अच्छा नहीं लग रहा। ओए भूख लगी है मुझे कब से, उड़ी कसम भूखा मार रहा है। बिल्कुल सही कहा है, मारना है तो एक साथ मार दे, हमें भूख से क्यों तड़पा रहा है। और इसकी बड़ी ये तो अभी शुरुआत है। इसकी बड़ी बिल्कुल सही कहा, इसके बड़े आने दो फ्रैंकलिन के बच्चे को, मैं उसका पिज्जा खा जाऊंगा। इसके बड़े बताता हूँ इन लोगों को मेरा पिज्जा खाना है ना गाइस, अभी मैं यहाँ पर एक सुपर जायंट पिज्जा स्पॉन करने वाला हूँ। गाइस हम अभी पूरा फोकस कर रहे हैं भाई और मैं यहाँ पर स्टॉक मेंशन के एकदम सेंटर में उस पिज्जा को स्पॉन कर दिया हूँ। और इसके बड़े ये पिज्जा कौन सा है, पता नहीं इसके बड़ी पर टेस्टी लगता है। अच्छा तुमको पिज्जा टेस्टी लग रहा है, चलिए गाइस उनको मजा सिखाते हैं। और इसके बड़े हालत खराब कर दी। वॉइस ऑफ क्या खतरनाक अटैक किया मैंने इन पे। ओ इसके बड़े मेरी को आर्मी को मारता है तो इसके बड़े मैं छोड़ूंगा नहीं, लगता है ये अपना फ्रैंकलिन है, हमारा फ्रैंकलिन हमें बचाएगा। फाइनली गाइस मैंने यहां पर भाई अपनी सुपर लेजर अटैक से यहां पर इसको खत्म कर दिया। अब मैं जल्दी से यहां पर सुपर बर्न लेजर अटैक से इस पूरे स्किबिडी की बर्फ को पिघला देता हूं। उसके बाद ये छोटा सा बच्चा बन जाएगा पिघल के। इतनी आसानी से ना इसके बड़े मुझे कुछ नहीं होने वाला। अरे यार ये क्या कर दिया इसने। इसके बड़े अब कैसे अपना बर्न मोड तू एक्टिवेट करेगा, कैसे जलाएगा मुझे। भाई साहब इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि बर्न मोड पर। मुझे तो यहाँ पे ठंडी लगने लगी। अरे कोई प्लीज मुझे बचाओ। गाइस मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। पिज्जा मैन प्लीज हेल्प मी। फ्रैंकलिन मेरे बच्चे मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि यहाँ पर इस आइस स्केबिडी गॉड को इस तरह से नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नहीं तेरे लिए 20 पिज्जा बनाए। 20 पिज्जा मेरे को समझा नहीं, अब तू यहाँ पर 20 हेडेड टाइटन पिज्जा मैन बनने वाला है। क्यों सच में बिल्कुल अभी देख, कुछ टाइम में यहाँ पर तेरे हेड पे 20 पिज्जा आएंगे, वो भी दुनिया के सबसे बड़े। गाइस देखना चाहता हूँ मैं ऐसा क्या है भाई उन 20 पिज्जा में जो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक मिनट 1 2 3 4 5 6 अरे ये तो टोटल 15 पिज्जा है, बाकी के 5 पिज्जा तेरी बॉडी को इंप्रूव करने में लग गए। ऑल राइट अभी मैं यहाँ पर 15 हेडेड गोल्डन टाइटन पिज्जा मैन बन चुका हूँ। और गाइस अब मैं यहाँ पर अपना सुपर बर्न मोड एक्टिवेट कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे उसके बड़े बताता हूँ। और नहीं देखिए गाइस इसको कहते हैं सुपर बर्न मोड, क्या सूरज भी इतनी गर्मी दिखा पाएगा जो मेरा यहाँ पर सुपर बर्न मोड ने कर दिया। नहीं उसके बड़े हालत खराब हो गई, मम्मी इसके बड़े मेरी हालत खराब हो गई, बचाओ मुझे इसके बड़े। भाई साहब गाइस की क्या हालत हो रही है, ऐसी बात पे जल्दी से पिज्जा मैन ओपी लिख दीजिए कमेंट में। अब वाह फ्रैंकलिन भाई तूने तो इसके बड़े के बच्चे का नामो निशान खत्म कर दिया। बाकी गाइस अगर इस तरह के वीडियो और चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जल्दी से कमेंट में लिखिए, और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।